दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज हो चुका है 21 सितंबर 2019 और आज शनिवार का आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, हर न्यूज़पेपर हर वेबसाइट को हमें देखना पड़ता है, उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी न्यूज आपको दें, कौन सी न्यूज आपके काम की है, तब जाके वीडियो तैयार हो पाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारी इस मेहनत का फल देना चाहते हैं तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो झारखंड से महिला बाल विकास एवं कल्याण विभाग के सचिव की ओर से आंगनबाड़ी बहनों को 8 दिन का समय दिए जाने के बाद अब बहनों का आक्रोश चरम पर है। आंदोलन में और तेजी लाने के लिए शुक्रवार को आंगनबाड़ी बहनों ने महापंचायत की राजभवन के समक्ष हुई। महापंचायत में बिरसा चौक के पास आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कर्मचारी भी शामिल हुए। इस दौरान निर्णय लिया गया कि झारखंड राज्य सरकार आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की ओर से आंदोलन को जारी रखा जाएगा। हालांकि इस दौरान आगे की रणनीति नहीं बनाई गई, इसकी जानकारी देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने कहा कि सरकार की ओर से महिलाओं को डराने का काम किया जा रहा है। पिछले साल भी सरकार ने ऐसा ही किया था, महिलाओं से मुख्यमंत्री ने समझौता किया लेकिन अब तक उस समझौते को लागू नहीं किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार आंगनबाड़ी बहनों की मांगे नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है, पंजाब के संगरूर से आशा वर्करों से सिविल सर्जन फाजिलका के खिलाफ जताई नाराजगी। आशा वर्करों व फैसिलिटर यूनियन पंजाब ब्लॉक शेखपुर की बैठक प्रधान गुरप्रीत कौर की प्रधानगी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हुई। इसमें शामिल आशा वर्करों द्वारा गत दिन सिविल सर्जन फाजिलका द्वारा समूह आशा वर्करों के लिए गलत शब्दावली का प्रयोग किए जाने पर निंदा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रधान जसविंदर कौर, किला हकीमा रणजीत कौर खेड़ी कला ने कहा कि आशा वर्करों पर मरीजों को अल्ट्रासाउंड स्कैन दवा संबंधी निजी डॉक्टरों के पास लेकर जाने के लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, जबकि सच्चाई है कि डॉक्टरों द्वारा अपने तय किए गए स्कैन सेंटर व मेडिकल स्टोरों से ही मरीजों को दवा लिखी जाती है। इससे डॉक्टरों को सीधे तौर पर मोटा कमीशन मिलता है। सिविल सर्जन फाजिलका द्वारा आशा वर्करों की ओपीडी लेबर रूम में जाने से रोकने संबंधी उन्होंने कहा कि मरीजों को 9 महीने से अगर मोटिवेट करती हैं तो वह आशा वर्कर की बदौलत है। इन सरकारी अस्पतालों में आशा वर्करों द्वारा मेहनत व लगन से किए गए कामों की वजह से ही आम लोगों में सरकारी अस्पतालों के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब से मांग की कि ऐसी भद्दी शब्दावली इस्तेमाल करने वाले सीनियर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान के करौली से। करौली महिला एवं बाल विकास की सचिव ने किया दौरा, आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव गायत्री राठौर गुरुवार को जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने कैला देवी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पोषाहार में कीड़े मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई गई और अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं कलेक्टर सभागार में बैठक लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। बैठक में उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह कागजों में चल रहे इसके भुगतान के लिए हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। अधिकारियों से कहा गया कि फर्जी साइन कर भुगतान उठाए जा रहे हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन्होंने काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कम्प्लीमेंट्री रिटायरमेंट लेने तक की बात कह दी। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। आशा के काम को सराहा, सांसद ने सीएम का सुनाया संदेश। नवीन मंडी ओसा में आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद विनोद सोनकर ने कार्यकर्ताओं के काम की सराहना कर सीएम का संदेश पढ़कर सुनाया। बाद में बेहतर कार्य करने वाली 7 आशाओं को सम्मानित किया गया। समाज को स्वस्थ रखने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, इन योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुँचाने में आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश के शिमला से। हिमाचल में हर रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कराएंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी केंद्रों की हर रिपोर्ट अब ऑनलाइन तैयार की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 7 जिलों की 11,200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह बाद में अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगी। यह बात उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग राकेश भारद्वाज ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवा दिए गए। इन स्मार्टफोन पर किस प्रकार से कार्य करना है और किस प्रकार से रिपोर्ट को तैयार कर उसमें फीड करना है, इसके लिए 7 जिलों की 11,200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कांगड़ा रणजीत सिंह ने बताया कि कांगड़ा में इस प्रशिक्षण में 4 बैचों को 160 मास्टर ट्रेनरों स्मार्टफोन चलाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण में 360 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब के मानसा से। सोशल मीडिया पर आशा वर्करों के खिलाफ
खिलाफ की टिप्पणी के विरोध में डीसी दफ्तर के आगे दिया धरना। वर्करों के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में पूरे पंजाब में शुक्रवार को आशा वर्करों की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। सिविल सर्जन फाजिलका डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी द्वारा सोशल मीडिया पर आशा वर्करों के खिलाफ की गई टिप्पणी का कड़ा नोटिस लेते हुए आशा वर्करों ने डीसी दफ्तर के आगे धरना लगाकर इसका विरोध किया। इस अवसर पर यूनियन नेता सुखविंदर कौर बुड़ लाडा व कर्मचारी कौर अकलिया ने कहा कि उच्च पद पर बैठे किसी अधिकारी को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन द्वारा आशा वर्कर पर लगाए गए आरोप सच्चाई से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि अगर सिविल सर्जन के पास कोई ऐसा मामला सामने आया है तो वह जवाब मांग सकते हैं, मगर सभी को बदनाम करना गलत बात है। सिविल सर्जन अपने दफ्तरों की खामियां छुपाने के लिए आशा वर्करों को बदनाम कर रहे हैं, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। आशा वर्कर कम वेतन में अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हैं, जिसके चलते सेहत विभाग में कई तरह के सुधार देखे गए हैं। और दोस्तों अगली अपडेट निकाल कर आ रही है हिमाचल के नालागढ़ से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों को भरने के लिए 10 अक्टूबर को तात्कालिक साक्षात्कार का आयोजन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी नालागढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए आगामी 10 अक्टूबर 2019 को रात 11 बजे उपमंडल अधिकारी नालागढ़ के सभागार में एक तात्कालीन साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी नालागढ़ विनोद कुमार गौतम ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों के लिए 21 से 45 वर्ष के मध्य आयु होना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित क्षेत्र की 1 जनवरी 2019 को सामान्य निवासी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास व आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 8वीं पास अनिवार्य है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।